हेलो बच्चों, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। और हम लोग आज क्लास टेंथ का साइंस सब्जेक्ट देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो, साइंस जो है वो क्लास टेंथ या इधर नाइन्थ में या पहले इधर से जो भी बेसिक जो क्लास छः से लेके टेंथ तक जो साइंस है वो तीनों एक ही में है। मतलब केमिस्ट्री जो भी इसकी साइंस जो भी विज्ञान की ब्रांचेज हैं, शाखाएँ हैं, वो सब एक ही बुक के अंतर्गत दिया गया हुआ है। तो देखो, इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहली बात तो हम लोग साइंस क्यों पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है तो क्यों है, इसको जानने के लिए, समझने के लिए, इस चैप्टर को और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहली बात कि इस जो साइंस जो वर्ड है वो क्यों है, इस चीज़ को जानना जरूरी होता है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी तुम्हारे सामने हेडिंग आए या जो भी तुम्हारे चैप्टर के सामने जो भी तुम्हारे सामने चैप्टर का नाम आए या कोई बुक का नाम आए तो उस बुक से पूछो कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, उसके अंदर क्या है। जैसे तुम्हारा नाम जो है, तुम्हारे नाम से पता चलता है कि हाँ तुम्हारा कैरेक्टर कैसा होगा, मेरे नाम से पता चलता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो भी नाम है उस नाम में बहुत कुछ छिपा होता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें हमें डिटेल में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस, ठीक है। चलो पेज स्लाइड अगर हटा के देखें तो देखते हैं स्लाइड में क्या रखा है। वाओ गजब, बहुत अच्छे से सजाया गया आप लोग के लिए। तो देखिए, इसको समझिए, साइंस देखने से ही बहुत कुछ दिख रहा है। ये देखो, डीएनए का स्ट्रक्चर है, मतलब ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये फिजिक्स का मैग्नेट दिख रहा है, दिख रहा है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट के स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये मतलब ये लग रहा है भौतिक विज्ञान है। ये देखो कुछ बुलबुले से दिख रहे हैं, ये क्या है सर, ये तो रसायन विज्ञान में होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये देखो, ये एस सी आई ई है, यहाँ पे ई देखो कैसे बना के रखा हुआ है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है, और यहाँ पे देखो ये भी भौतिक विज्ञान हम पढ़ते हैं, ये सब जो प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, अभी मैं सबका डिटेल बताऊंगा, पर देखो स्ट्रक्चर देखो कितना गजब बना के रखा गया है। और ये जो ई बनाया गया, जो पत्ते लीव्स, ये बता रहा है कि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब ये साइंस जो है ना, जो भी आपको पढ़ना है विज्ञान, वो विज्ञान पूरा क्लास टेंथ का जो विज्ञान है इसमें तीनों रखा गया है, एक ही बुक के अंतर्गत तीनों रखा गया है। लेकिन हम साइंस पढ़ेंगे क्यों, आखिर हमें पढ़ना क्यों है साइंस। साइंस पढ़ने के लिए सबसे पहली बात है, हम साइंस से हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि साइंस आखिर ये साइंस बना क्या और साइंस मतलब होता क्या। तो बेटा देखो, साइंस जो वर्ड है ना वो है लैटिन वर्ड। क्यों है, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड, हमारे इंडियन वर्ड नहीं है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है साइंस। साइंस का मतलब होता है, हिंदी में लिखा जाता होता है विज्ञान, ठीक। और जो इंग्लिश में लिखा हुआ है साइंस, इसका मतलब होता है जानना, क्या जानना, टू नो, ठीक है ना, के एन ओ डब्ल्यू नो, ठीक है। टू नो मतलब जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जिज्ञासा रखना, जानने के बारे में। जैसे कि मान लो कि इस एनवायरनमेंट में हो रही हैं कुछ चीज़ें, उसके बारे में जानना, ये है विज्ञान के अंतर्गत। जैसे कि कोई बच्चा जब बड़ा होता है, मैं एक कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ, थोड़ी सी कहानी से रिलेट करेंगे, चैप्टर या सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग तभी बनती है ना जब तू थोड़ा सा उसको कहानी मिले चलते हैं। जैसे हम लोग के घर पे दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं, कहानी सुनाते हैं, वैसे यहाँ पे मैं हूँ तुम्हारे लिए कहानी सुनाने के लिए, ठीक है ना। तो मैं एक एक छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊँगा, तुम उससे रिलेट कर, ठीक है ना। चलो, बचपन में था ना, मैं बहुत छोटा था, मतलब बचपन में सब छोटे ही होते हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो एक कहानी है कि बचपन की, बचपन में जब एक बच्चा होता है तो एनवायरनमेंट में जब आता है ना तो पूछता है कि मम्मी ये बारिश हो रहा है तो नीचे क्यों आ रहा है, ये बूंदें जो गिर रही हैं, बारिश की बूंदें, और बूंदों से खेलता भी है। तो वो बूंदें जब गिरती है नीचे, उसको हाथ पे लेके खेलता है ऐसा करके, और उसमें कूदता भी है। लेकिन वो सोचता है, और कुछ जिज्ञासा वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो बचपन से ही बहुत उनके अंदर चुल मची रहती है पूछने की, कुछ हम लोग जैसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर चुल मची रहती है पूछने की, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल जानने की जरूरत, जानना चाहते हैं कि कैसे ये क्यों हो रहा है। तो वो पूछते हैं कि आखिर ये बारिश का पानी नीचे ही क्यों गिर रहा है, इसको ऊपर भी जाना चाहिए, ठीक है। कोई बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जा रहा है, उसको ऊपर ही लटक जाना चाहिए। जब हम लोग रस्सी बांध के नचाना चाहिए ऊपर फेंकते थे तो ऊपर ही क्यों नहीं लटक जाता था, नहीं लटकाना नहीं है, फंसाना नहीं है, वो नीचे डायरेक्ट आए तब आए जब कुछ ऊपर फंसा ना हो तो, ठीक है ना। बहुत बच्चे नटखट होते हैं तो ऊपर फेंकते हैं, जाके ऊपर चिपक जाता है, कहते हैं नहीं आया, यहाँ पर साइंस फेल हो गया। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो विज्ञान मतलब क्या है, जानना, इस एनवायरनमेंट के बारे में जानना।
अपने बारे में जानना, ये सब किसके अंदर रखता है? विज्ञान के अंतर्गत है। तो विज्ञान की अगर हम परिभाषा लिखें, जो मेरे अकॉर्डिंग है वो परिभाषा लिखें, तो अगर हम लिखें यहाँ पे, तो लिखेंगे प्रकृति देखो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जानना व इसके प्रयोग इसके मत लिखो यहाँ पे, अगर मैं क्लास में होता हूँ तो लिखवाता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप ऐसे ऐसे नोट्स बनाइएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जानना व प्रयोग करने के बाद जो द्वारा निष्कर्ष मिलता है, उस निष्कर्ष से आधा सा रहेगा ना यहाँ पे, निष्कर्ष से जीवन को सरल बनाना बनाना ही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें लिखने में, क्योंकि मान लो कि व्हाइट बोर्ड सीधे ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड से सीधे पेन टैप पे आना, ठीक है। देखो प्राकृतिक घटनाएं, जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जानना, यहाँ देख रहे हो बारिश हो रहा है तो क्यों हो रहा है? यहाँ पे कुछ चार्ज दिख रहे हैं ना, चार्ज, ये फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, ये कुछ लॉ है, कुछ चार्ज हैं जो जिस चार्ज की वजह से, कुछ आवेश हैं, आवेश की वजह से बारिश होती है, इन सब चीज़ों को जानना, ठीक। और हम अपने दैनिक जीवन में, जैसे कि सबसे पहले बल्ब का आविष्कार हुआ, थॉमस अल्वा एडिसन ने भी इसका आविष्कार किया, रोशनी आई, प्राकृतिक रोशनी से हट के एक रोशनी बनाया, जिससे आज हम लोग यहाँ पे हम भी पढ़ा रहे हैं, तो एक रोशनी में पढ़ा रहे हैं, आज रात में हम पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो क्या है ये, किसका, ये सब चीज़ें क्या है? ये एक आविष्कार है। आज हम लोग वहाँ से, हम लोग चौक से, चौक और डस्टर से छोड़ के आज हम पेन टैब पे आ गए हैं, तो ये क्या है? ये एक विज्ञान में तरक्की है, विज्ञान का आविष्कार है, जिससे हमको क्या मिल रहा है, एक हमको ईजी वे मिल रहा है, एक सरल वे मिल रहा है, जिससे कि हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, एक इस कोरोना काल में भी हम आपसे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपको पढ़ा पा रहे हैं, ये क्या है? ये है एक आविष्कार, ये है प्रयोग, ये प्रयोग द्वारा करके, प्रयोग करने पे जो निष्कर्ष मिला है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके यूज से हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवन को और सरल बना रहे हैं। जैसे आज पहले के ज़माने में लोग बैलगाड़ी से जाते थे, आज एरोप्लेन से सीधे निकलते हैं। अब पहले के ज़माने में क्या था, पहले के ज़माने बहुत साल पहले बल्ब नहीं थे, आज क्या है, हम लोग रोशनी के सामने, हम लोग यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड के सामने आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये एक आविष्कार है, ये एक प्रयोग है, प्रयोग द्वारा निष्कर्ष है, जो निष्कर्ष से आज हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। आज टेलीफोन, बहुत दूर से हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, क्या है ये? ये आविष्कार है, ये एक साइंस है, ये साइंस के अंतर्गत हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, आगे इसके बारे में हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं कि कौन सा उसमें लगा है, किससे नेटवर्किंग है, किससे कौन सा है, कौन आईसी है, इसका हर एक छोटा छोटा जो भी पार्ट्स है उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसको बड़े से लेवल में पढ़ते हैं, सब भौतिक विज्ञान में अंतर्गत आता है। जैसे हमारी बॉडी, हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हमारे अंदर मैकेनिज्म चल रही है, क्यों चल रही है, ये सब बायोलॉजी के बेस्ड पे है, इनको हर एक बॉडी पार्ट को समझना, ये है जीव विज्ञान। तो ये सब विज्ञान है, ये सब विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति में हो रही है, ये मौसम चेंज हो रहा है। बेटा देखो आज का जो भी लेक्चर है वो पूरा बेसिक है, विज्ञान के बारे में, हमारी संसार के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में, हमारे बारे में, तो हमको हर एक चीज़ समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये बेस है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। तो विज्ञान पूरा है, हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो विज्ञान है। चूल्हे पे खाना बनाते हैं, वो हमारे प्रयोगों का निष्कर्ष है, पहले हम लोग प्रयोग किए हैं, तब जाके वो निष्कर्ष बना के हम लोग एकदम सुव्यवस्थित चूल्हा बना लिए हैं, उसके बगल में सिलेंडर रख लिए हैं, उस ईंधन से यूज करके हम लोग अपना भोजन बना ले रहे हैं। पहले क्या था, पहले चूल्हे लगते थे, उससे पहले क्या था, चिंगारी आई। तो ये सब एक आविष्कार है, विकास है, निष्कर्ष है, जिससे हम लोग आज अपने जीवन को सरल बना लिए हैं। आज कूलर बना लिए हैं हम लोग, एसी बना लिए हैं, रोबोट बना लिए हैं, जो हमारे काम को आसान कर देता है, क्या है, आविष्कार है, ठीक है ना। तो हम लोग ये परिभाषा लिखे हैं यहाँ पे, परिभाषा
इसको याद करिए, प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जानना व प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष से जीवन को सरल बनाना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। ये सब सब विज्ञान के अंतर्गत है। अब जैसे देखो, जैसे मैं एक दो पॉइंट लिख दे रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, यही तो एक फ़ायदा है, यही सब तो विज्ञान है कि आज हम कलर पेन यहाँ पे पेन से लिख पा रहे हैं। अब हम देख आप लोग हमको देख भी नहीं पा रहे, हम लिख भी ले रहे हैं, चमत्कार है, ये विज्ञान है, ठीक है ना। जैसे प्रकृति में मौसम का बदलना, ये प्रकृति वाली चीज़ें हैं। प्रकृति में मौसम का बदलना, ठीक है। दूसरा, पहला यहाँ हो गया, एक दो पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ ऊपर देखो, सबसे पहले जो इमेज हमने बनाया क्या है, वर्षा होना, ये सब क्या है, वर्षा होना, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, जो बारिश क्यों हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, ये सब विज्ञान है, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य के संबंध, ये सब चीज़ें, उसके चक्कर, चारों तरफ चक्कर काटना, दिन और सुबह का होना, मतलब सुबह और रात का चेंज होना, ये सब चीज़ें हम जो पढ़ेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे विज्ञान के अंदर। और कौन से विज्ञान के अंदर, आगे हम बताएंगे भौतिक विज्ञान के अंदर, कैसे वो चक्कर काटेगा, कितना टाइम पीरियड होगा, हर एक चीज़, आवर्तकाल, हर एक चीज़, ठीक है ना। अब एक और पॉइंट देखो, यहाँ पे बल्ब दिख रहा है, ये प्रयोगों द्वारा अपने जीवन को हमने सरल बनाया है। कौन सरल बनाया, मनुष्य, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ इमेज दिख रहा है, इमेज बहुत ही शानदार है, और ये है गैलीलियो गैलीली साहब, ठीक है ना। ये कौन है, ये है फादर ऑफ साइंस, ठीक है ना। आधुनिक इनको माना जाता है फादर ऑफ साइंस, जो कि क्या है, विज्ञान के जनक। कौन है, गैलीली। 1564 से लेकर 1642 तक इनका जीवन काल रहा, और यहाँ पे लिखा हुआ है फादर ऑफ साइंस, ठीक है ना। और ये देखो कौन है, आइंस्टीन साहब, देख रहे हो कितने स्टाइलिश बंदा है आइंस्टीन साहब। इन्होंने क्या दिया था, E=mc². इनको भी फादर ऑफ साइंस माना जाता है, ठीक ना। तो ये दो नाम है, ये दो हस्ती हैं जो फादर ऑफ साइंस माने जाते हैं। और इसी साइंस का एक और बेस्ड है, वो है जूलॉजी के लिए, जो कि बायोलॉजी के लिए, होल बायोलॉजी के लिए, एरिस्टोटल, यहाँ दिख रहा है नीचे, देखो यहाँ पे। इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, उससे पहले हम इन पॉइंट को नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब नोट कर लो पॉइंट, फादर ऑफ साइंस कौन है, विज्ञान के जनक कौन है, गैलीलियो साहब, ठीक है ना। अब बात करते हैं विज्ञान, विज्ञान में प्रयोगों द्वारा जो हमने यूज किया, वो प्रयोग क्या थे हमारे, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है बेटा, फटाफट लिख लेते हैं, एक दो पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। प्रयोगों द्वारा मनुष्य जीवन को सरल बनाना, मनुष्य जीवन को सरल बनाना, ये किसके अंतर्गत होगा, सब विज्ञान के अंतर्गत होगा, किसके अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत। तो एक एक पॉइंट करके इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, बल्ब का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार होना, आज बल्ब के आविष्कार होने से हम आज रोशनी के सामने बैठ सकते हैं, आज हम सूर्य की रोशनी न हो फिर भी हम चकाचौंध रोशनी में रह सकते हैं। गैस चूल्हे का आविष्कार, ये सब आधुनिक आविष्कार है बेटा, आधुनिक आविष्कार जो हम लोग आज इस टाइम यूज कर रहे हैं। तीसरा, गैस इंजन, गैस इंजन, ठीक है ना। गैस इंजन मतलब यहाँ पे वाष्प वाला, ठीक है। ये कुछ आविष्कार थे जिससे मनुष्य को बहुत सारा इजी वे में उसको जीने का सरल व्यवस्थित रूप से मिल गया। जैसे कि हम लोग, ये सब आविष्कार हुआ तो बल्ब का आविष्कार इतनी जल्दी नहीं हो गया था, बहुत सारे बल्ब जितना हम बोल नहीं पाए उससे ज़्यादा उन्होंने उसमें फेलियर देखने के बाद एक चमकता हुआ एक दिन आया, जब उनकी, जब कहते हैं ना किस्मत चमकती है तो बेटा इंसान को राज करा देती है, तो जब उनकी जब किस्मत चमकी, जब उनका वक्त आया, तो वक्त तो सब कुछ बता देता है, वक्त का पहिया ऐसा है बेटा
कि हर एक चीज़ का हर एक चीज़ को बेनकाब कर देता है। तो वक्त ऐसा आया उनका कि जो उनके कार्य को एकदम चकेचौंध रोशनी में ला के रख दिया और बल्ब का आविष्कार हुआ, जिससे आज हम उन्हें ही नहीं हमें ही हम पूरी विश्व को पूरी दुनिया को आज एक ऐसा चीज़ मिला जिसके जिसको सूर्य की रोशनी न होने के बावजूद भी हम आज रोशनी में हैं, ठीक है ना। तो वो था बल्ब का आविष्कार, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और ये जो आविष्कार कर किया उसके बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने, और वो प्रयोग का निष्कर्ष था बल्ब का आविष्कार, ठीक है। ये सब निष्कर्ष हैं, प्रयोगों द्वारा मनुष्य जीवन को सरल बनाना, ये एक विज्ञान है। क्या है? विज्ञान, ठीक है। अब विज्ञान का एक सिंपल सा छोटा सा अगर परिभाषा देखें, अगर ये सब तो मैंने परिभाषा जो बताया है वो तो बताया, ठीक है ना। अगर किताबी परिभाषा देखें, किताबी परिभाषा रटना पड़ेगा ही नहीं, मान लो एग्ज़ाम देना है, हमारे तरह सब टीचर मिलेंगे नहीं कि जो थियोरेटिकल एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ पढ़ाएं, वो सोचेंगे कि कुछ हमें किताबी चाहिए। तो किताबी चाहिए तो क्या चाहिए, चलो लिख लो, किताबी भाषा भौतिक जगत, परिभाषा है ये, डेफिनेशन किसका, विज्ञान का, किताबी लैंग्वेज वाला लिखना जरूर, भौतिक जगत जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन और ज्ञान विज्ञान कहलाता है। वो भी जो परिभाषा जो पहले हमने दिया वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये जल्दी से याद करने वाला है, वो थोड़ा लॉजिकली है, जो समझ गया वो समझा ले जाएगा और जो नहीं समझा वो ये याद कर ले जाएगा, ठीक है। भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन और ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए, अब हम एक छोटे से पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते हैं और लिखते हैं कि ये सब चीज़ें लिख लिया, ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। भौतिक जो आपका विज्ञान है, भौतिक जगत और प्राकृतिक नियमों का अध्ययन कर जो विज्ञान बनता है वो विज्ञान की कुछ निम्न शाखाएँ हैं। तो विज्ञान की निम्न शाखाएँ हैं, समझ रहे हो कि बेटा कौन कौन सी हैं, बोलते जाओ फटाफट बोलते जाओ, जब तक मैं कलर पेन चेंज कर रहा हूँ तब तक बोलिए फटाक से, कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखते जाइए। विज्ञान पहला, मैं तो लिख दिया भौतिक विज्ञान, क्या लिखा, भौतिक विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, और भी हैं लेकिन ये मुख्य हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को लेके हम लोग ज़्यादा चलते हैं, ठीक है ना, ये यही सब चीज़ें हमारे लाइफ में ज़्यादा हैं, और भी चीज़ें हैं लेकिन हम उसको बताएंगे नहीं क्योंकि ये वो सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। तो विज्ञान की निम्न शाखाएँ हैं, ठीक है ना, किसके आधार पर, वो जो हम अपने प्राकृतिक घटनाओं में, प्राकृतिक दिनचर्या में और हम जो अपने जीवन काल में जो भी चीज़ें करते हैं उन सब चीज़ों के बेस पे विज्ञान की तीन शाखाएँ हैं, ठीक है ना। विज्ञान मतलब होता है जानना, जो चीज़ें हैं जो फिक्स हैं उसी के बारे में जानना, जो पहले हैं वो क्यों हैं, जो पहले नहीं हैं वो क्यों नहीं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानना, बस ये है कि जो चीज़ें हैं जो हमारे सामने दिख रही हैं, जो हमारे सामने हम हर एक चीज़ को फील कर पा रहे हैं, वो सारा चीज़ विज्ञान के अंतर्गत है। जो हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, एक बास्केट और एक बाल्टी को हम उठाते हैं ना, तो उसमें भी हमारा विज्ञान है, उसमें भी हमारा विज्ञान है, क्यों, एक फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है, एक हम जो उसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य क्या है बताओ, ये सब एक विज्ञान है, सब विज्ञान के अंतर्गत है, और ये विज्ञान इन्हीं तीन शाखाओं में बटा हुआ है। तो विज्ञान की निम्न शाखाएं हैं कौन कौन, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। आइए एक एक करके जानते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है और रसायन विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान क्या है। वाओ, फिजिक्स, यहाँ भी देखो, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, आइंस्टीन साहब, फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कौन है, आइंस्टीन साहब, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, चलो मैं परिभाषा आपसे पहले पूछ लेता हूँ, फटाक से यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और जाके कमेंट सेक्शन में फटाक से भौतिक विज्ञान का परिभाषा लिखिए, फिर उसके बाद वीडियो पे आइए और क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत ऊर्जा बल इत्यादि का अध्ययन व प्राकृतिक घटनाओं में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ऊर्जा बल कार्य ये सब जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं वो है क्या है? भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। कुछ इसमें प्राकृतिक घटनाएं हैं। प्राकृतिक घटनाएं सर, प्राकृतिक घटनाएं कैसी हैं? प्राकृतिक घटनाएं बेटा यहां लिखते हैं प्राकृतिक घटनाएं जैसे पहला किसी पिंड या वस्तु, ठीक है ना, किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर अगर ऊर्ध्वाधर फेंकने पर नीचे आना, सर ये प्राकृतिक घटना है? हाँ बेटा प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक जैसे कि हम लोग ये चीज़ फेंक रहे हैं तो ये चीज़ें नीचे आ गई क्या है? प्राकृतिक घटना। इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया, इसमें एक मैंने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ फेंकने के लिए। जो फोर्स लगाया वो तो भौतिक विज्ञान है ही है, लेकिन वो जो प्राकृतिक घटनाएं जो चीज़ें उसमें हो रही हैं ये तो नेचर में ही है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ है? क्या हम दूसरे पिंड पे जाएं या दूसरे मतलब कि ये धरती छोड़ के पृथ्वी छोड़ के किसी और ग्रह पे जाएं तो क्या वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होगा? होगा, लेकिन पृथ्वी जितना नहीं होगा, कुछ उसका अलग मान होगा, यहाँ का मान अलग है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ को फेंक रहे हैं तो ये हमारे पूरी पृथ्वी पे उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से, जितने स्पीड से हम ऊपर फेंक रहे हैं उतने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे आएगा, ठीक है ना, कहीं भी हम फेंकें। तो ये क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है। क्या है? प्राकृतिक घटना है। दूसरा बात अगर हम कर रहे हैं तो दैनिक जीवन में हम जो चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि हम एक्शन रिएक्शन का पेयर चल रहा होता है, ठीक है ना, जैसे कि हम चल रहे होते हैं, जैसे कि मान लो हम वॉक कर रहे हैं तो तो घर्षण एक, जैसे कि हम यहाँ पर पैर रखने के बाद हम थोड़ा सा ज़मीन को पुश कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो उस पर हम फोर्स लगा रहते हैं, वो अपोजिट हमें फोर्स दे रहे होते हैं, एक्शन रिएक्शन का पेयर चल रहा होता है। तब हम जाके अपने एक पैर को उठा के हम फिर यहाँ पर रखते हैं, फिर उसको ढकेलते हैं, ढकेलने के बाद वो हमको फिर से उतने ही तेज ढकेलती है जितने तेज से हम वो पीछे जब हम चल रहे होते हैं ना, तो पैर जब हम यहाँ पे एक इमेजिनेशन वीडियो होता ना तो गजब मजा आ जाता है, ठीक है। पर इमेजिनरी करो, ये तो हमारे दैनिक का कार्य है। हम जब चल रहे होते हैं तो हम पैरों से पीछे ठेल रहे होते हैं, ढकेल रहे होते हैं। ढकेलने पे क्या करता है कि हम तुम उसको फोर्स दे रहा होता है और तुमको पीछे से फोर्स दे रहा होता है, तो क्या होता है? दोनों का एक्शन रिएक्शन का पेयर चल रहा होता है। ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन इसको हम पढ़ते किसके अंदर है? भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन वो भी क्या करता है? अपोजिट हमारे फोर्स लगा रहा होता है जिससे कि हम चल पाते हैं। अगर वो हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हम तो चिपक जाते ना बेटा, कहाँ चल पाते, तो नहीं चल पाते ना, ठीक है। तो ये दूसरा है, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी आइंस्टीन साहब थे, आइंस्टीन साहब ने ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण दिया था। कौन सा समीकरण दिया था? E बराबर mc², ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा आप लोग का, ये बेसिक चीज़ है, बेसिक अभी हम पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा बल इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वह प्राकृतिक घटनाओं का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। प्रकृति साथ साथ हम इसमें प्राकृतिक घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाएं जैसे हम किसी पिंड को किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकें और वो नीचे आए, या फिर हम दूसरी बात कि हम किसी चौक से या अपने पेन से, आप कॉपी पर लिख रहे होंगे ना, तो पेन से जिस कॉपी पर लिख रहे हैं उसमें फ्रिक्शन आ रहा है, घर्षण आ रहा है, वो एक भौतिक विज्ञान का राशि है, ठीक है ना। उसका यूज करना, वो हमारे दिनचर्या में यूज हो रहा है, हम लिख रहे हैं। हम अगर चल रहे हैं तो चल रहे हैं क्यों चल रहे हैं? हमारा वहाँ पे फिजिक्स का लॉ वहाँ पे एक कार्य कर रहा है। लॉ कौन सा है? एक्शन रिएक्शन का लॉ,
ठीक ना, हम जब वहाँ पर रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना हम उनके पीछे उनके पर रिएक्शन जितने हम उस पर बल लगा रहे हैं उतना ही वो बल अपोजिट हमारे पर लगा रहा है, तब हम चल पा रहे हैं। ठीक ना, इक्वल लगता है, कोई भी संबंध हम इक्वल बनाते हैं तभी चलता है बेटा। ठीक है, तो यह भौतिक विज्ञान, ये सब विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, ये एक स्लाइड फालतू का रहेगा, कोई बात नहीं, रसायन विज्ञान। ठीक है ना, देखो इसमें नाम ही है रसायन, रसायन मतलब केमिस्ट्री, कीमिया, ये वर्ड जो आया है कीमिया, ग्रीक वर्ड है कीमिया, और स्ट्री मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम जब पढ़ते हैं ना तो उसका एनालिसिस कर देते हैं, तोड़ देते हैं, पूरा तोड़ दो एकदम, और स्ट्री मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, क्या होता है स्टडी, अध्ययन। ठीक है, कीमिया मतलब क्या होता है, कलर, कलर, कलर मतलब होता है रंग, या फिर एक और इसको बोलते हैं धातु निर्माण, इसी वर्ड को बोलते हैं धातु निर्माण विधि, सॉरी निर्माण, धातु निर्माण। क्या करना होता है, धातु निर्माण की तकनीकी। ठीक है, ऐसे ही लिखना जैसे हम लिख रहे हैं ना, ऐसे ही लिखो, केमिस्ट्री मतलब कीमिया, कीमिया कीमिया को अलग करो, ये सब क्या वर्ड है, कौन से वर्ड है, ये है ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक है ना, साइंस जो है वो है लैटिन वर्ड, ये है ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड मतलब कीमिया मतलब होता है रंग, कलर, काला रंग, कौन सा रंग, काला रंग। काला रंग कब आता है, जब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तब कोई सा रिएक्शन आता है काला रंग कंप्लीट होता है, कोई भी रंग आना, या धातु निर्माण होना, कोई भी एक छोटे से एलिमेंट से, एक एलिमेंट से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कोई भी धातु का निर्माण होना, कोई भी धातु, एक जो भी एटम होता है या एलिमेंट होता है सिंगल फॉर्म में होता है, धातु जब निर्माण होती है तो कुछ मिक्सर की जाती है, जैसे सोना बनता है, जो आज तुम लोग कान वाने जो लड़कियाँ पहन रही हैं ये सब पहन रही हैं, उसमें कुछ मिक्सर है, वो डायरेक्ट अगर प्योर अगर सोने का हो जाए तो टूट जाता है, तो उसमें क्या है, मिक्सर है, मिक्स है, तो किसका निर्माण किया गया, धातु का निर्माण हुआ, एक नए धातु का निर्माण हुआ, जिसके कुछ फ्रेमिंग हो सकते हैं, स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको आज हम लोग यूज कर पाते हैं, उसमें कुछ धातु की मिक्सर होती है, कौन से धातु की मिक्सर होती है, ये सब चीज़ें मैं तब पढ़ाऊंगा जब थोड़ा सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं हर एक एलिमेंट से आपको परिचित कर दूंगा, तब पहले तो हम परिभाषा पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ना क्यों है, ये है हर एक चीज़ का रंग में परिवर्तन, कोई भी चीज़ आ रहा है, कोई भी चीज़ बन रही है, धातु बन रही है, निर्माण हो रहा है कोई भी चीज़ का, ऐसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने में क्या होता है, कुछ चीज़ें ब्रेकडाउन होती हैं, कुछ चीज़ें फॉर्मेशन भी होती हैं, ऐसे नहीं है कि बॉडी में हर एक चीज़ हम खाते हैं तो वो ब्रेकडाउन हो जाता है, उसका फॉर्मेशन होता है, कुछ चीज़ें बनती हैं हमारी बॉडी में जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होती हैं, ज़रूरत होती हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें किसके अध्ययन के, कौन से भी चीज़ में यूज करते हैं, कौन से सब्जेक्ट में ये पढ़ते हैं या किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है ना, तो इसको हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, कौन सा ज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है बेटा, सर इतना कलर है आपके पास, कलर नहीं चेंज कर रहा, गुस्सा नहीं होने का, गुस्सा नहीं होने का, कर रहे हैं, रुको। ठीक है, यह केमिस्ट्री विज्ञान, ठीक है ना, कीमिया वर्ड से लिया गया है, और इसका होता है धातु निर्माण की तकनीकी, इसका रंग, कीमिया मतलब होता है जो भी है कलर, इसको बोलते हैं कलर या रंग, कौन सा रंग, काला रंग। ठीक है ना, अब परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा लिखो, विज्ञान की वह शाखा, कितना हिंदी मीडियम में मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, जिसमें, ठीक है, पदार्थों का संगठन, कितना मज़ा आ रहा है, संगठन, संगठन, संरचना, कितना अच्छा लग रहा है ना, अब संरचना भी देखने को मिलेगा, संरचना, गुणधर्म, कि कौन किस कैरेक्टर का है, क्या चीज़ें करेगा, और रासायनिक निक अभिक्रियों, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इसमें हुए परिवर्तन का अध्ययन का अध्ययन अध्ययन रसायन
विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। चलो एक बार और पढ़ लिया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संगठन, संरचना, गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो इसमें चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, सोडियम का साथ में हम सोडियम के साथ में क्लोरीन को मिलाया गया, वैसे तो सोडियम बहुत ज्वलनशील होता है अगर बाहर रख दिया जाए तो, ठीक ना, वाटर में अगर मिक्स किया जाए तो, ठीक ना, क्लोरीन पॉइजनस होता है। अगर क्लोरीन के पॉइजनस क्या होता है कि अगर क्लोरीन को सूंघ लो तो तुरंत एकदम चक्कर वक्कर आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब सिंगल एटम है, सिंगल अगर अपने सिंगल अगर प्योरेस्ट फॉर्म में है, इनको फिर उसके बाद मिक्स किया जाए सोडियम प्लस क्लोरीन को, तो ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड होने से क्या हुआ, इनका गुणधर्म चेंज हो गया। अब इसको हम खा सकते हैं, नमक बन गया ये, तो अब खा सकते हैं हम लोग, ठीक ना। इससे पहले अगर खा लेंगे, अगर सिंगल सिंगल फॉर्म में जो है, प्योरेस्ट फॉर्म में अगर मतलब प्योर फॉर्म में अगर सोडियम है तो खा लो तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम अगर क्लोरीन को डायरेक्ट अगर इंटेक कर लो तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर ये मिक्सर है उसका ब्रेकडाउन बॉडी में होगा तो दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का चेंज होना, सोडियम प्लस क्लोरीन का एक अलग प्योरेस्ट फॉर्म से एक कंपाउंड में कन्वर्ट होना, सोडियम क्लोराइड में होना, गुणधर्म का चेंज होना, संरचना का चेंज होना, ये सब चीज़ें किसके दौरान होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होती है। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, जैसे हम मान लो रासायनिक अभिक्रिया एक लिख रहे हैं, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया लिखें, और वो रासायनिक अभिक्रिया हम लिखेंगे, मान लो हाइड्रोजन लिया और 2 मोल हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन सिंगल फॉर्म में ले लिया, 2 गो हाइड्रोजन ले लिया, 1 गो ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है ना। रिएक्शन कराया, क्या बना, जल बन गया, H2O, क्या बना, वाटर बना। अब देखो ये सब सिंगल फॉर्म में था, इधर अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ये हाइड्रोजन का जो संरचना देखा जाएगा ये सिंगल फॉर्म से जुड़ा हुआ है, HH, ऑक्सीजन तो सिंगल है। अब यहाँ देखो जो बना वो इस प्रकार स्ट्रक्चर बन गया, संरचना देखो चेंज हो गई, संरचना चेंज हो गई, गुणधर्म चेंज हो गया, उसकी संगठन जो भी क्रियाएं जो हुई हैं वो सब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में था, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस के फॉर्म में है, यहाँ पे दोनों गैस के फॉर्म में है, यहाँ पे जो बने इनका गुणधर्म देखो चेंज हो गया, ये पूरा पूरा कहाँ गया यार, ये पूरा लिक्विड के फॉर्म में बना, लिक्विड जो जल हम देखते हैं वो लिक्विड है, लेकिन अगर कुछ टाइम उसको रख दिया जाए तो इसी फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाएगा पुनः, ये रिवर्सिबल रिएक्शन फिर चलेगी और पुनः ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में वाष्प उत्सर्जित हो जाएगा, ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट निकल जाएगा, तो वाटर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ टाइम तक अगर रख दिया जाए धूप धूप में। तो ये किसका बना हुआ, किसका है, दोनों गैस के फॉर्म से मिक्स होकर कंपाउंड जो बना है वो बना है जल। देखो यहाँ पर संरचना चेंज हो गई, संरचना ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की संरचना अलग थी, ऑक्सीजन की संरचना अलग थी, यहाँ पर मिली संरचना चेंज हो गई कि नहीं हो गई, ये सारे चीज़ें जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो है रसायन विज्ञान। अब बेटा हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के पप्पा कौन थे, ये देख रहे हो, नहीं नहीं माता जी को नहीं देखना है, पिताजी को देखना है यहाँ पे, ठीक है ना, हाँ ठीक है। रासायनिक सॉरी लिखना क्या चाहिए, हम लिख क्या रहे हैं, मानव हम भेज जाते हैं ना, लड़की देखी मन में चक्कर, नहीं नहीं गलत बात, रसायन विज्ञान के जनक पिता कौन है, फटाफट लिखेंगे, पहला नाम आता है जो धड़ल्ले से आता है, एंटोनी लॉरेंट, पूरा नाम लिखेंगे लेबोजियर साहब, इनका इतना बड़ा नाम था ALL, ठीक है ना। दूसरा नाम था, दूसरा नाम आता है बहुत अच्छे से नाम जो आता है वह रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल साहब, ठीक। तीसरा जो नाम आता है वो आता है जॉन डाल्टन, ये तीनों लोगों का नाम लिख लेंगे। सर इसमें से जो ये है ये केमिस्ट्री के माताजी के साथ वो कौन है, ये है लेबोजियर साहब, कौन है, एंटोनी जो सॉरी एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर, ये है, ठीक है ना, ये है रासायनिक विज्ञान के जनक। इन्होंने क्या क्या बताया, ये सब चीज़ें बताया, और ये जो लॉ भी दिए हैं इन सब लॉ को हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम बताएंगे हर एक चीज़ को अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो इन सब ये हर एक चीज़ को बताते बताते बहुत डीप पढ़ाते पढ़ाते बहुत डीप बता दिए, और इन्होंने एक और काम लिख दिया, नोट करके लिखो, ठीक ना, रसायन कई तरह के रसायन विज्ञान बना दिए, तो रसायन विज्ञान की निम्न शाखाएं भी बन गई,
अब देखो कौन कौन, पहला कार्बनिक जो भी लिख लो, ठीक है ना, कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिक रसायन, भौतिकी रसायन। सर इन सब में अंतर क्या है? कार्बनिक रसायन जिसमें कहीं ना कहीं कार्बन उपलब्ध होगा, कार्बन ऐसा एलिमेंट होगा जो हर एक जगह छिपा रहेगा। अकार्बनिक रसायन में नेचुरल चीज़ें ज़्यादा होंगी, प्रकृति में बहुत जो भी आपका एनवायरनमेंट में, जो भी धरती में है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का हर एक एलिमेंट अकार्बनिक रसायन में बात करेंगे। भौतिकी रसायन में हम लोग मोल के बारे में बात करेंगे, हर एक चीज़ का सब्सटेंस का अमाउंट में बात करेंगे, वो होता है भौतिकी रसायन। किस अमाउंट्स में कोई बाजार में जा रहे हो तो कह रहे हो ये चीज़ें कितने की हैं, एक अमाउंट जानना, वो सब होता है भौतिकी रसायन में। जब हम लैब में आप जाओगे ना, तराजू रखा रहेगा, आपको कोई सब्सटेंस बनाने के लिए मिलेगा ना तो कहेगा एक ग्राम ये ले ले रहे, एक ग्राम ये ले ले, और दोनों को मिक्स कर दे कितना बनेगा, 2 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राम को जानना, ये सब चीज़ें जो पढ़ेंगे हम, जिसमें ये सब चीज़ें सॉल्व होंगी, जिसमें हम इन सब चीज़ों के लिए जानकारी लेंगे, वो होगा भौतिकी रसायन। सही पकड़े हो, ठीक है ना। लैब में जब जाते हो तो एक ग्राम का एक बटखरा मिल जाता है तुमको तौलने के लिए, वो जो तौलते हो ना, जो सबस्टांस तौलते हो, सबस्टांस को मिलाते हो, मिक्स करते हो और एक नया कंपाउंड बनाते हो ना, वो कंपाउंड तो होता है अकार्बनिक या कार्बनिक कंपाउंड, लेकिन जो उसमें प्रक्रियाएँ कर रहे हो वो होता है भौतिकी रसायन से मिल मिलाप करा के, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपको क्लास टेंथ में। आज ये वीडियो आपकी आप देख रहे हो, क्लास इलेवंथ में जब आओगे, ट्वेल्थ में आओगे, तो ये हर एक चीज़ें फील करोगे आप, एकदम अपनी आँखों के सामने देखोगे, मज़ा आ जाएगा, कहोगे क्या सर आपने क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट पढ़ाया, अरे चुट्टा देखो यहाँ, हाई देखो क्या है, बायोलॉजी, ये हो गया जीव विज्ञान, इसे कहते हैं जीव विज्ञान। और ये कौन है, ये है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ये कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान होता क्या है, हम पढ़ेंगे क्यों जीव विज्ञान, ये देखो बायो, यहाँ लॉजी, ठीक है ना, बायो मतलब होता है स्टडी, सॉरी बायो मतलब होता है जीव, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, ठीक है ना। एनालाइज एकदम तोड़ दो, जैसे हम लिख रहे हैं ना ऐसे ही नोट्स बनाना, तोड़ के बनाना, थोड़ा सुव्यवस्थित लिखना, मैं बहुत भद्दे तरीके से लिख रहा हूँ। हाँ, मेरा जो बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, वो मेरी राइटिंग को बिगाड़ देता है, बट कोई बात नहीं, लोग कहते हैं डॉक्टरों की राइटिंग बहुत बद्दी होती है, पर ठीक है। देखो बायोलॉजी ये एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है ना, ऐसी नहीं है, सबकी बहुत अच्छी राइटिंग है, बना के रखते हैं लोग, हम लोग बिगाड़ लेते हैं खुद ही। बायो मतलब होता है जीव, लॉजी मतलब होता है स्टडी, जीवों का अध्ययन करना, जिसमें जीवों के अध्ययन किए करेंगे, कोई इसमें मृत चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे अपन, कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ जीवों के बारे में बात करेंगे, वो होता है जीव विज्ञान, ठीक है ना। परिभाषा लिखे हैं, ठीक है, परिभाषा ठीक है, सबसे बड़ी बात है कलर चेंज करना, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना, फटाफट लिखो। विज्ञान की वह शाखा, पता नहीं कितनी बार क्लास में चिल्ला चिल्ला के लिखवाए होंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, लिख ले चुट्टा लिख ले, अपने मन से नहीं लिख पाओगे, अरे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव, जंतु, पेड़ पौधों इत्यादि का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। चलो इसका जनक लिखो, जनक जीव विज्ञान के जनक कौन है, एरिस्टोटल, हिंदी में क्या बोलेंगे, अरस्तु साहब जी, ठीक है ना, अरस्तु जी, ठीक है, ये हैं अरस्तु साहब, ठीक है ना। अब जीव विज्ञान की इन सब चीज़ों पे देखते हुए जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले इस पे काम किया किसने, अरस्तु साहब ने। अरस्तु साहब ने क्या किया, मार्फोलॉजी को देखते हुए, मार्फोलॉजी को देखते हुए उन्होंने जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया,
दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटने के बाद देखो इधर स्लाइड है कुछ है तो हाँ लिखो, एरिस्टोटल साहब, अरस्तु साहब ने, अरस्तु साहब ने जीव विज्ञान को, विज्ञान को मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य संरचना, बाह्य संरचना के आधार पे के आधार पर दो भागों में बांटा। एनिमल और दूसरा प्लांट, मतलब अरस्तु साहब ने जीव विज्ञान को, मॉर्फोलॉजी जीवों को, यहाँ पे जीव विज्ञान ना लिखो, लिखो जीवों के, जीवों को, जीवों के मॉर्फोलॉजी के आधार पे, ठीक है ना बेटा, जीवों के जितने जीव थे उनके मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया, बाहरी संरचना को स्टडी किया, उसके आधार पे दो भागों में बांट दिया, एनिमल और प्लांट। तो एनिमल जो था वो जंतु था, क्या था, जंतु, और प्लांट जो था वो था पौधे, कौन थे, पौधे, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसको दो विज्ञान बन गए, यहाँ से बनी जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। तो ये जंतु विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बोटैनी, ठीक है ना बेटा, फटाफट लिख दो। लिखो जंतु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है ना। जंतु विज्ञान के जो जनक थे, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु साहब, ठीक है ना। अब देखो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान को विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ पेड़ पौधों इत्यादि नहीं, मतलब सिर्फ पेड़ पौधों का ही अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस साहब, कौन है, थियोफ्रेस्टस, समझ में आ गया। अरस्तु साहब ने क्या किया, जीवों को, जो भी जीव विज्ञान था उसमें हम लोग जीवों का अध्ययन कर रहे थे, जीवों का अध्ययन करने के लिए कौन कौन से जीव थे, पेड़ पौधे, जितने जीव जीव जंतु हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे जितने हैं सारे को किस में आते हैं, जीव विज्ञान में आते हैं। तो साइंटिस्ट कौन थे, उसके जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु साहब। अरस्तु साहब ने क्या काम करा, उन्होंने क्या किया, जीवों को, हर एक जीवों को पढ़ना स्टार्ट किया। जब पढ़े, बारह स्ट्रक्चर देखे, तो उन्होंने बताया कि कुछ में कोशिका भित्ति है, कुछ में नहीं है, जो जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है उसको उन्होंने नाम दिया एनिमल, ठीक है ना, और एनिमल कहा जंतु, और जिसमें कोशिका भित्ति थी उसमें उन्होंने बताया, जो बाहरी स्ट्रक्चर था कोशिका भित्ति उसको बताया उन्होंने कि ये प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये प्लांट्स हैं। बताने वाले तो बहुत अलग जो भी थे वो बताया अलग, लेकिन इन्होंने देखा बस, समझा कि ये बाहरी लेयर है, इनको नाम नहीं पता था कि वो कोशिका भित्ति है, बस इन्होंने देखा कि वो सब चीज़ें बाहरी लेयर जो है, एक मोटी लेयर है, वो प्लांट्स में है, जंतु में नहीं है, तो इन्होंने छांट दिया, ठीक है ना। और जंतु विज्ञान को इन्होंने अलग नाम दिया जंतु विज्ञान, और ये जंतु विज्ञान के जनक भी बने, और इन्हीं के जो शिष्य थे थियोफ्रेस्टस साहब, वो वनस्पति विज्ञान के जनक बने, ठीक है, उन्होंने वनस्पति विज्ञान में बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे देखो बहुत सारी स्लाइड, अच्छी अच्छी स्लाइड तुम्हारे लिए रखी गई हैं, ये है पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगी वो पीरियोडिक टेबल से आएंगी, आवाज सारणी, इसमें हर एक चीज़ को मैं बेसिकली लेके चलूँगा। आज का लेक्चर वैसे ही लेंदी हो गया, लेक्चर बहुत लेंदी हो रहा है मेरा, मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन बेटा ज्ञान है वो देना पड़ता है, जो भी है चीज़ें छुपा नहीं सकते तुमसे, जिन्होंने छुपाया है वो छुपाया ही है, हम नहीं छुपा सकते, तो हर एक चीज़ को हमें देना है। तो बेसिक से लेके जीरो से लेके हीरो तक चलेंगे हम, हर एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को मज़े से करते हुए चलेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है ना, और ये लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होंगे कल के सेकेंड लेक्चर में, ठीक है ना। घर पर रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, तुम्हारी वीडियो रात में शूट करनी पड़ रही है, और ये रात के लगभग 11 बज रहे हैं, ठीक है ना बेटा, तो पढ़ो, खुश रहो, ठीक है, चलो।